बेटा साधना में बैठ रहे हैं, क्योंकि जो नहीं बैठते उनके सवाल और होते हैं, जो बैठते हैं उनके सवाल और होते हैं। जिसने कोई यात्रा की है उसके सवाल दूसरे होंगे, जिसने किसी की हुई यात्रा को पढ़ा है उसके सवाल दूसरे होंगे। तो आप यात्रा पर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा। जब कनुप्रिया हम बैठते हैं तो शुरुआत में हमारे माइंड की, हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है, हमें खाली करना होता है उसको। गुरु का साथ मिलता है तो जल्दी खाली हो जाते हैं। अगर जब तक आप खाली नहीं हैं, आधे खाली हैं, आधे नहीं हैं, आपको भर दिया जाए, जैसे दही वाले बर्तन को अच्छी तरह साफ ना किया जाए, उसमें दूध को बॉयल किया जाए तो दूध खराब हो जाएगा, बार बार खराब होगा, पूरी मेहनत बेकार जाएगी, दूध भी खराब जाएगा। और आध्यात्मिकता का दूध तो पूरा जीवन लग जाएगा, दोबारा जन्म लेना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्लीन होना है, सबसे पहले खाली होना है। तो आप खाली हो रहे हो। कभी कभी हमारे पास्ट लाइफ के कनुप्रिया विचार आते हैं, हमने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा किया तो उसके विचार भी आते हैं, खराब किया उसके विचार भी आते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति ने आपको प्यार की निगाह से देखा, आप भूल गए और ध्यान में बार बार आपको वही लड़का लड़की आ रहे हैं, ऐसा हुआ क्योंकि उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, मिल नहीं पाए। कभी कभी ऐसे विचार भी दोस्तों आते हैं, चोरी करने के विचार आते हैं, कभी कभी क्राइम के विचार आते हैं, कभी कभी विद्रोह के विचार आते हैं, कभी कभी बहुत स्वच्छंद होने के विचार आते हैं, जस्ट लाइक ड्रीम। कभी ऐसे विचार आते हैं कि ऐसे ही मैं कर रहा हूं, तो ये नेचुरल है। जब हम उस रास्ते पे चलेंगे तो ये उस रास्ते के, समझ लो कि उस पथ के चिन्ह हैं जो आएंगे। इसका मतलब कि आपने उस रास्ते को देखा, आप चलना शुरू हुए, बस एक ही इसका रास्ता है, तो बुरी बात नहीं है, घबराना नहीं इस बात से, चलते जाना साक्षी भाव से देख करके आगे बढ़ जाना, रुकना नहीं वहाँ, रुक गए तो बात गई। ऐसे आगे चल करके कनुप्रिया विचार आएंगे, जैसे मैंने सोचा कि कनुप्रिया को फ़ोन करूं तो कनुप्रिया का फ़ोन आ गया। मैंने सोचा कि मेरा आज ये काम कल को होना चाहिए, तो सामने व्यक्ति उसी टाइम आ गया, सर मैं आपका काम कर देता हूं, कहीं आप कुछ कहने के लिए आए तो मैंने आपको कह दिया ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो ये भी एक रुकावट दोस्तों, इस रुकावट को भी क्रॉस कर जाना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसे मुट्ठी बंद की तो आपको कुछ निकाल के दे दिया, कुछ ऐसे कहा, कुछ ऐसे करके दे दिया, कुछ ऐसे बताया कि आप ऐसे बैठे हो, सोए हो, लेटे हो, ये भी बुरी बात, इससे भी आगे निकल जाना। अगर इसमें फंस गए तो गए काम से। आप देखिए, ये जो चमत्कार है एक जादूगर कर सकता है। आप जादू देखने जाइए, आदमी को आकाश में उड़ा देता है, गायब कर देता है, ऊपर उठा देता है, नीचे भगा देता है, कुछ और कर देता है, ऐसे हाथ उठाता कबूतर आ जाते हैं, फूल आ जाते हैं। इतने चमत्कार आप नहीं कर पा रहे हो, आप कितने भी बड़े साधक बन गए, तो उसके पश्चात फिर वो हाथ जोड़ता है कि ये सब खेल है, ये वास्तविकता नहीं है। तो अगर वो कहता है ये खेल है तो आप इसको वास्तविकता मत समझना, इससे आगे निकल जाना। जहाँ चमत्कार हैं वहाँ पे सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है, तो वहाँ से बचना, वो खतरनाक है, डेंजरस है। अनानास कहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर आप चमत्कार देखने के लिए बैठे हैं, जो आशा कर रहे हैं आप कर पाएं, तो जादूगर से जादू सीख लेना। साधना में हो सकता 10 साल लगें, वो आपको 10 दिन में सिखा देगा।